ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की है। भगवान बुद्ध जब जागृत हो गए तब उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। एक दिन प्रातःकाल बहुत सारे भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, लेकिन आज शिष्यों ने देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार उनके हाथ में कुश था। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया, बिना किसी से कुछ कहे वे उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग ये देख रहे थे और वो ये भी जानना चाहते थे कि बुद्ध अब आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले की थी। तो एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन यदि दूसरी तरफ से देखें तो अब इस रस्सी में 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, इसलिए अब इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल सा गया है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही बदली हुई प्रतीत हो, लेकिन अंदर से अभी भी ये बस वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी अपरिवर्तित है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू किया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? तो शिष्यों में से एक शिष्य की आवाज आई कि नहीं नहीं, ऐसा करने से ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न और बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम ये जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का तरीका जान सकेंगे और इसके लिए प्रयास कर सकेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मैं भी बस यही सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं हमेशा देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना जानते हैं या चाहते हैं। कोई मुझसे ये कभी नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। शिष्यों याद रखो, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार से मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके जो स्वरूप है, उसका जो बुनियादी स्वरूप है या सबसे बड़ी चीज है वो अच्छाई, उसके बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्या भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान लें तो निराकरण व निवारण खुद ही हो जाएगा। और ऐसा कहकर बुद्ध ने लोगों के मन में यह विचार डाल दिया कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये समस्या जिसको आप खत्म करना चाहते हैं ये प्रारंभ कैसे हुई, और यदि आप उस प्रारंभ को जान जाएंगे तो आप अपनी समस्या का निवारण खुद से ही कर सकेंगे।